नमस्ते दीदी, हम लोग का समूह में आप लोग का स्वागत है। परमिला दीदी, हालचाल कैसा है? बहुत परेशान हूँ, आलू लगाया हूँ, आलू में फफूंद वाला बहुत कीड़ा लगा है। मेरे खेत में भी आलू लगी है दीदी, उसमें फफूंदे वाला कीड़े लगे हैं, बहुत परेशान है। आज जशोदा दीदी दवा बनाने वाली है, हम जा रहे हैं सीखने, आप लोग भी चलिएगा दीदी। हाँ दीदी, हम भी चलेंगे। जय भी हम दीदी। जय जय दीदी। जय बिहान दीदी। हाँ दीदी, हम लोग कहाँ गए हैं, हम लोग को दवा बनाना सिखाइए। ठीक है दीदी, सारा सामान तैयार है, आइए आप लोग को दवा बनाना सिखाती हूँ। गोबर हिंग की दवा बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगता है मैं बताती हूँ। 5 किलो देसी गाय का गोबर, 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, 20 लीटर पानी, 150 ग्राम हींग, 100 ग्राम चूना। सबसे पहले 5 किलो गोबर डालेंगे। उसके बाद अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद 5 लीटर गाय का मूत्र डालेंगे। उसके बाद फिर से मिलाएंगे। चार दिन तक इसको सड़ने देंगे, उसके बाद चूना और हींग को मिला देंगे। ठीक है दीदी, तो हम लोग 4 दिन बाद फिर आ रहे हैं। ये 4 दिन तक सड़ गया, इसके बाद इसमें चूना और हींग मिला देंगे। ये 150 ग्राम हींग एक डब्बे में डालना है। डाल के इसको घोल बनाना है। घोल बना के इसमें डालना है। हींग डालकर फिर इसको अच्छे से मिलाना है। फिर इसमें 100 ग्राम चूना को डालें। डालकर फिर इसको मिलाएं। ये दवा तैयार है, इसको आप सूती कपड़ा में छानकर फिर उपयोग करेंगे। ना दीदी, इस दवा को हम कैसे उपयोग करेंगे? दीदी, 1 एकड़ फसल के लिए 5 लीटर घोल 100 लीटर पानी को मिलाकर उसमें हम छिड़काव कर सकते हैं। दीदी, ये सड़न को रोकने के लिए ये घोल जड़ों में भी डाल सकते हैं। दीदी, ये दवा क्या फायदा करती है? दीदी, ये फसल को ताकत देता है और पत्ते में जो पीलापन आता है उसको रोकता है, रोए वाला कीड़े से बचाते हैं, तने को सड़ने से रोकता है, कंद वाली फसल को सड़न और फफूंद से रोकते हैं। दीदी, ये दवा के बारे में बता के बहुत अच्छा किया, मैं भी घर में जाके अपने खेत में दवा बना के डालूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान।